कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु के संबंध में बैठक आहूत हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं का अभिवादन किया तथा पूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर यथोचित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में रिटायर्ड सार्जेंट AK पाठक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि CSD कैंटीन बहुत छोटी है, जिसमें सामान लेने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारी को समस्या का निदान करने हेतु निर्देश दिए। पूर्व सैनिक हवलदार कुलदीप सिंह ने शस्त्र लाइसेंस के पंजीकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिस पर जिलाधिकारी ने शस्त्र लिपिक को इस प्रकरण पर कार्यवाही किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए। पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर बलवीर सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष पेंशन अकाउंट की DSP अकाउंट में बदली किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित CDO को इस प्रकरण में तुरंत कार्यवाही किए जाने हेतु LDM को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। पूर्व सैनिक सूबेदार राजभान सिंह ने जिलाधिकारी से अपने खेत की पैमाइश कराने हेतु अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिक से कहा कि आप प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रेषित करें, जिस पर पैमाइश के आदेश दे दिए जाएंगे। उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय आनंद पाल सिंह ने अपनी पेंशन संबंधी समस्या जिलाधिकारी को बताई, जिस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि प्रार्थनी के प्रकरण पर आप तत्काल यथोचित कार्यवाही करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह, CTO रिटायर्ड कर्नल दलजीत सिंह चन्ना व भूतपूर्व सैनिक गण व उनके परिवार जन मौजूद रहे।